In previous video, we have already learned about the pressure, SI unit of the pressure, as well as some example which are related with the pressure. कहीं हमें इस प्रेशर को जो है इंक्रीज करना होता है और कहीं प्रेशर को डिक्रीज करना होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे जहां हमें प्रेशर को क्या करना होता था, इंक्रीज करना होता था। कुछ एक ऐसे भी जगह थे जहां पर हमें प्रेशर को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम जानना चाहें तो उन सभी को जाने। जैसे आप गौर करते होंगे कि डैम वगैरह जो होता है उन सब में जो उसका फाउंडेशन होता है वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर को होल्ड करने के लिए इतने ऊंचे हाइट तक, तो ऐसे केस में उन वॉल पर जो है वाटर प्रेशर एग्जर्ट करता है और प्रेशर एग्जर्ट ज्यादा होगा तो हो सकता है कि वॉल ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए। तो इस केस में इस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके फाउंडेशन को जो है वो ब्रॉड करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ऐसे केसेस को और भी देखें, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने शूज वगैरह या लड़कियों की जो सैंडल होते हैं उसमें पिन हिल टाइप का एक होता है, समझे ना, तो वो पिन पॉइंटेड होता है, यानी बहुत कम एरिया इन सब जगहों पे होता है। तो एरिया अगर कम है तो ऐसे केस में प्रेशर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अगर ये जो हमारा सोल है या इस तरह का जो आपको हील है, तो वो अगर पॉइंटेड हील है तो वो आपको क्या कर सकता है, प्रेशर बॉडी के ऊपर इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा हम लोग जैसे जानते हैं कि कैमल को जो है वो सीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, तो क्यों, तो गौर किया जाए तो गौर करने पे हम देखते हैं कि उसके जो पैर होते हैं वो थोड़ा स्पंजी भी होते हैं और ब्रॉड भी होते हैं। ब्रॉड होने के कारण जो है वो अपने होल बॉडी के वेट को जो है, यानी वेट ए टाइप ऑफ फोर्स, ये बड़े एरिया पे क्या करता है, अप्लाई करता है। तो जब ऐसे केस में एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर निश्चित है कि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करता है और इसी वजह से वो क्या कर लेता है कि फास्टली मूवमेंट शो करता है अदर किसी एनिमल के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें एलिफेंट का केस, तो उस एलिफेंट का जो है जिस तरह से वेट होता है, अगर उसके लेग ब्रॉड नहीं होते तो क्या होता, लेग अगर ब्रॉड नहीं होते हैं, नैरो होते हैं, एरिया उसका कम होता, तो निश्चित है कि प्रेशर ज्यादा होता। और ऐसे केस में जो है उसके लेग्स वगैरह जो हैं वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस रहते हैं। उसके जो लेग होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होने के कारण जो है वो एक अच्छा खासा एरिया कवर करता है, जिससे उसके बॉडी वेट जो होता है वो उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाता है और वो इजिली मूव कर सकता है। तो ये सब थे कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा जो है हम लोगों के पास जो है वो ये टाइप ऑफ फोर्सेस, ये टाइप ऑफ प्रेशर होते हैं। तो ये टाइप ऑफ प्रेशर के केस में जो है हमारे पास फ्लूइड प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन सभी चीजों को हमको जानना होगा। फ्लूइड कहने का मतलब ही होता है कि जो फ्लो करें, ऑल दोस थिंग्स दैट हैव एबिलिटी टू फ्लो, कि जिसके पास जो है कि एक एबिलिटी है जिस कारण से वो क्या कर सके, फ्लो कर सके। अब आप जितने भी गैसियस पार्टिकल होते हैं उन सबको देखें, लिक्विड पार्टिकल्स को देखें, इन सबको देखें, तो ये सब सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो लिक्विड प्रेशर जो है, लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, साथ ही साथ गैसियस पार्टिकल भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो इन सबको कंबाइंडली जो है हम लोग कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। कौन सा फ्लूइड प्रेशर, यानी फोर्स, सॉरी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड, आइदर इट इज लिक्विड और गैस, इट इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। जो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं उसमें से हम अगर गौर करें तो देखते होंगे कि वाटर जो है वो डिफरेंट डेप्थ में, कि अगर किसी जगह पे वो कलेक्टेड है तो उसके डिफरेंट डेप्थ पे या डिफरेंट हाइट पे जो है उसका प्रेशर क्या होता है, तो बहुत सारे एक्टिविटी शो करते हैं इसके बारे में। और हम लोग जो है अभी इसका कैलकुलेशन जो है, हम प्रेशर का कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस केस में जो है वो लिक्विड जो है प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा और किस केस में प्रेशर
कम अप्लाई करेगा या किस पोजीशन पे इक्वली अप्लाई करेगा, तो इन सब चीजों को थोड़ा गौर करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास दो कंटेनर है जिसमें जो है ये फ्लूइड भरा हुआ है, एक ये कंटेनर है और दूसरा ये कंटेनर है। इन दोनों कंटेनर में वाटर जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जो है वो फिलअप है। तो थोड़ा गौर करेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरह के कंटेनर में एक केस में जो है हम इक्वल हाइट पे ही, कि सपोज करो कि ये एक इक्वल हाइट है और यहां हमने बहुत सारा पोर किया है डिफरेंट पोजीशन पे, दूसरा जो है इसमें भी वाटर लेवल या वाटर फिलअप है और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट हाइट पे एक होल करते हैं, एक सपोज करो कि इस पोजीशन पे है और दूसरा जो है वो इस पोजीशन पे है। ओके, तो गौर करें कि इस केस में क्या होगा, वाटर जो है वो किधर मूव करेगा, कितने डिस्टेंस पे करेगा, इक्वली करेगा या नहीं करेगा, इस केस में क्या होगा। तो जब हम सेम हाइट की ओर देखते हैं, ये कंडीशन ए में कि एक इक्वल हाइट पे अगर हम देखें तो इसमें से जो है जितने भी पोर से वाटर मूव करेगा वो आपको इक्वल डिस्टेंस पे क्या करता है, आपको इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंटेनर वो कवर करता है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जो है इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि ये जितने भी पोर्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो एक ही हाइट पे डिफरेंट डायरेक्शन में वाटर जो है या लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। इस केस में अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंट हाइट है, एक हाइट ये है और एक हाइट ये है, इस केस में ये ज्यादा डिस्टेंस एक्वायर करेगा जबकि ये क्या करेगा, बहुत ही कम डिस्टेंस एक्वायर करेगा। क्या हुआ इस केस में, तो जब हाइट आपका या डेप्थ जो है बहुत ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा हुआ तो ऐसे केस में वो प्रेशर ज्यादा एक्वायर करेगा। यहां जो है हम देखते हैं कि ये जो है इस केस में आपको अगर हम सरफेस ऑफ वाटर से देखें तो ये डिस्टेंस कम है जबकि ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसे डेप्थ का है, तो ये लोअर डेप्थ है और ये हायर डेप्थ है, तो हायर डेप्थ में जो है प्रेशर ज्यादा होता है या इंक्रीज करता है जबकि लोअर डेप्थ में क्या होता है कि आपको प्रेशर कम होता है, इसलिए अपर लेवल वाला जो पोर होगा उससे वाटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा जबकि लोअर लेवल जो है यानी कि एक मैक्सिमम डेप्थ पे जो है आप अगर ऊपर से देखें तो डेप्थ और नीचे से देखें तो हाइट हुआ, तो इस केस में जो है मैक्सिमम डेप्थ में जो है वहां प्रेशर ज्यादा होता है और इस केस में जो है वाटर जो है वो आपको क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कवर करता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द कंटेनर। ये अगर हम चाहें तो उसको मैथमेटिकली भी उसके फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करके हम ये देख सकते हैं कि ये प्रेशर आखिर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, ये हम क्लास 9 में जाते हैं तो फिर हमको उसका पूरा फुल जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ना होता है, वहां हम इसको समझते हैं। तो ये एक्टिविटी हमको शो करता है कि लिक्विड जो है एट इक्वल डेप्थ या इक्वल हाइट पे जो है वो सारे डायरेक्शन में इन ऑल डायरेक्शन इक्वल प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट करता है, लेकिन डिफरेंट हाइट पे ये डिफरेंट प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो बाय डेप्थ अगर देखें कि हाइट मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ होता है तो इस केस में जो है वो हाइट प्रेशर एग्जर्ट करता है, अगर डेप्थ कम रहा तो वहां क्या होता है, लो प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो ये हमारा था लिक्विड प्रेशर। इसके अलावा अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो ये सब प्रेशर जो है हम लोग बहुत जगह इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे बैलून में अगर हम वाटर फिलअप करते जाते हैं तो इस केस में वो बैलून के वाल पे जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है और जिससे बैलून जो होता है वो क्या करने लगता है, फूलने लगता है। और अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर कम रखें तो ऐसे केस में बैलून का जो साइज होगा वो छोटा होगा,
तो ये भी एक तरह का एक एग्जाम्पल है जो बताता है। इसके अलावा जब कभी कहीं हम लोगों ने टीवी वगैरह में देखा कि प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो वाटर कैनल से जो है वो आपको लोगों को हटाने के लिए जो है पानी गिराया जाता है, उस केस में हम कभी कभी देखते हैं कि लोग इंजर्ड हो जाते हैं, क्या रीजन होता होगा। तो होल जो होता है पाइप का, उसके नोजल को क्या किया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही कम होता है और एक हैवी वेट वाटर इससे सप्लाई करेगा, तो एरिया कम होने के कारण उस जगह पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये जब किसी पर्सन पे अप्लाई होता है तो उस पर्सन को वो लिफ्ट अप कर देता है या उसको उस जगह से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे लिक्विड प्रेशर के। अब हम लोग जाने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह का फ्लूइड प्रेशर ही है, ये नाम से ही क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर क्या है, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो एयर डिफरेंट गैसेस हैं जिनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। तो ये जो हमारे चारों ओर इन गैसों का एक इनवेलप है, एक कवर है, एक ब्लैंकेट है, हमने इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे बॉडी पे अगर एक सी लेवल जहां 76 सेंटीमीटर मरकरी लेवल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एटीएम, ये लगभग 101 325 पास्कल के बराबर होता है। इतना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली इतने पास्कल के बराबर होते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर जो है वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इट इज अ डिवाइस बाय विच वी मेजर द प्रेशर ऑफ ए या प्रेशर ऑन द बॉडी। अब ये जो है आपको एरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हो, चाहे लिक्विड प्रेशर को मेजर करने को, तो बैरोमीटर जो है जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हो जाता है, और मैनोमीटर जो है वो लिक्विड प्रेशर वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। बैरोमीटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक एंड्रॉयड होता है और दूसरा क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर। एंड्रॉयड जो होता है वो हम लोगों ने देखा होगा जब कभी भी हम लोग आपको एयर जो है वो फिलअप करने के लिए अपने टायर वगैरह में, गाड़ी के टायरों में जो है वो फिलअप करवाने जाते हैं, तो वहां पर हमें जो मैकेनिक होता है वो एक मशीन लाता है और मशीन के थ्रू जो है उसको चेक करता है कि ये एयरिक प्रेशर कितना है ट्यूब के अंदर। तो वो जो है वो हमारा एंड्रॉयड पैरोमीटर है। जबकि हम लोग कभी कभी जो है बीपी वगैरह मेजर करवाने के लिए किसी का जाते हैं, देखते हैं, तो वहां पर मैं जो है एक मरकरी लेवल को रेज होते हुए देखा जाता है और उसी को रीड करके जो है लोग बताते हैं, या डॉक्टर्स या इस तरह के मेडिकल स्टाफ जो हैं वो बताते हैं कि हमारा बीपी लेवल क्या है। अब गौर करें कि इसमें जो है मरकरी लेवल में जब हम बात करते हैं तो बैरोमीटर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर कर रहा है। तो इस केस में जो हमने 1 एटीएम बताया था कि 1 एटीएम इक्वल टू जो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू पास्कल के साथ ऐड दिया था, लेकिन जब कभी हम इसको मेजर करते हैं 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर के थ्रू, तो इसमें जो है ये मरकरी बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर जो है उस हाइट को मेजर करता है या बताता है या उसके बराबर होता है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो लगभग 76 सेंटीमीटर जो है मरकरी लेवल को शो करता है, इन्हें मरकरी बैरोमीटर। तो ये हमारे थे फ्लूइड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। इसके अलावा जो है इनके एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये बहुत तरह के या बहुत तरह से बहुत जगहों पे होते हैं, जिसमें जो है कुछ एग्जांपल हम लोग अगर देखें तो स्ट्रॉ से। तो स्ट्रॉ से जब कभी भी हम किसी लिक्विड को इनहेल करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, तो हम लोग देखें गौर करें
कि जिस कंटेनर में कोई लिक्विड होता है वहां हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ जो है उसे डीप किया। और ऐसा करने से जब कभी हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉ के थ्रू सक करते हैं, खींचते हैं, तो उस केस में इस गैप में एयरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो जब ये लो हो जाता है तो बाहर से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो इस लिक्विड पे क्या होता है, हाई हो गया। हाई हो जाता है तो वो किधर की ओर मूव कर जाते हैं, इस स्ट्रॉ की ओर मूव कर जाते हैं, और उसके बाद जो है ये हम तक पहुंच जाता है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ हमें हेल्प करता है किसी लिक्विड को सक करने में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। इसके अलावा जो होता है, हम लोग रबर सकर देखते होंगे कि उसके द्वारा जो है आपको बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर जो है साफ सफाई का काम, या मान लीजिए हमको अगर राइड करना हो तो ऐसे केस में उस रबर सकर के थ्रू, या इसको जो है आप होल्डर के रूप में भी कहीं कहीं घर में भी यूज कर लेते हैं। तो रबर सकर में आखिर ऐसा क्या होता है, या छिपकली वगैरह जो है, लिजार्ड वगैरह जो है, वो किस तरह से सरफेस के ऊपर मूव करती है, तो वो एक तरह से वैकम क्रिएट करती है। वैकम क्रिएट करने का मतलब हुआ कि अगर आपने इसके ऊपर रखा रबर सकर को, तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो इनसाइड जो भी एयर होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद जो है आपको जो एक्सटर्नल एयरिक प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो इस बॉडी के ऊपर रह जाता है, जिस कारण से ये आपको मूव आउट नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि इसी प्रोसेस या इसी टेक्निक को यूज करके जो है लिजार्ड भी जो है ऑन द सरफेस ऑफ वॉल इजिली मूव करती है, रबर सकर भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इसके अलावा हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ग्लास वगैरह में पानी फिलअप करने के बाद हम उसे किसी कार्डबोर्ड से कवर करते हैं और उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ऐसे केस में भी हम देखते हैं कि वाटर जो है वो फ्लो डाउन नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि एयर जो है वो इनसाइड, वो क्या करता है, ऑन द सरफेस ऑफ कार्डबोर्ड, इन सभी चीजों पे जो है वो क्या करता है, एरिक प्रेशर देता है, एक तरह का थ्रस्ट देता है, जिस कारण से वाटर जो है वो फॉल डाउन नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी अगर कुछ एक चीज जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हो, जहां हम इस तरह के मोमेंट को या इस तरह के टेक्निक को या इस तरह का जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर को अप्लीकेबल देखते हैं, तो वो एरोप्लेन वगैरह में, जहां पर हम लोग क्या होता है कि जो हमारा इंक, पेन का जो इंक वगैरह होता है वो क्या होता है कि स्पिल्स आउट हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम किसी हाइट पे जाते हैं, तो हमने कुछ देर पहले देखा था कि डेप्थ में जो है वो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है लिक्विड में। सिमिलरली जो है हमारे सरफेस के नियर अबाउट जो है इस एयर की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम किसी हाइट को एक्वायर करते हैं तो वहां जाने के बाद इसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है, और यही वजह होता है जिस कारण से इंक जो है वो क्या होता है, पेन से स्पिल्स आउट हो जाता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हम अगर देखना चाहें तो उसमें जो है कि जो माउंटेन राइडर वगैरह होता है, तो वो अपने साथ क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हमने कहा कि डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन भी जो है वो आपको उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके अलावा हमारे नर्व्स के ऊपर भी जो है वो एक प्रेशर, इंटायर बॉडी प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, और बाहर से जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, तो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो भी ब्रस्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। ये थे अभी तक के सारे टर्म्स जिन्हें हमें पढ़ना था इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा फाइबर एंड फैब्रिक। आज हम यहीं इसे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।